नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल के इस वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरिशंकर परसाई जी को, जिनका निबंध है विकलांग श्रद्धा का दोष। आधुनिक हिंदी गद्य में व्यंग्यकारों के सिरमौर हरिशंकर परसाई अपने पेने और जुटीले व्यंग्यों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उनके निबंधों में व्यंग्य इतने तीखे और पाठकों के हृदय पर इतने प्रहार करने वाले हैं कि पाठक न केवल यथार्थ और लेखक के कथ्य से परिचित हो जाता है, अपितु उनकी व्यंग्य शक्ति का कायल भी हो जाता है। वे बातों ही बातों में स्थान स्थान पर अपनी बात को सीधे न कहकर व्यंग्य की चुटकी लेते हुए एक ओर तो पाठकों के अंतर्मन को झकझोर देते हैं और दूसरी ओर उन्हें सत्य और स्पष्टवादिता की ओर जाकर सोचने को मजबूर भी कर देते हैं। विकलांग श्रद्धा का दोष हरिशंकर परसाई जी का ऐसा ही सशक्त व्यंग्य संग्रह है। इस संग्रह में लेखक की ऐसी व्यंग्य रचनाओं को संग्रहित किया गया है जिसमें हमारे समाज व देश में लुप्त प्राय होती श्रद्धा की भावना, नैतिक मूल्यों का होता समापन, दम तोड़ती आत्मीयता की भावना और मानवीय मूल्यों का होता वास इत्यादि मानवीय भावनाओं को लेखक ने अपनी विषय वस्तु बनाए हैं। लेखक ने स्वयं स्वीकार किया है हमारे देश में चरित्र हनन तो बहुत रहा है, वास्तव में ये दौर राजनीति में मूल्यों की गिरावट का है। इतना झूठ, फरेब और छल पहले कभी नहीं देखा था। दगाबाजी संस्कृति की हो गई है, दो मुहापन नीति बन गया है और बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व बोने हो गए हैं। श्रद्धा सब कहां से टूट गई। इन सब स्थितियों पर मैंने जहां तहां लिखा है इनके संदर्भ भी प्रसंगवश कई रचनाओं में आ गए हैं। लेखक प्रस्तुत निबंध विकलांग श्रद्धा का दोष इसी स्थिति पर व्यंग्य करने वाला एक सशक्त निबंध है। विकलांग श्रद्धा का दोष हरिशंकर परसाई जी का एक व्यंग्य परक निबंध रहा है। इसमें निबंधकार ने प्रतिपादित किया है कि आत्म पवित्रता के दंभ के इस राजनीतिक दौर में देश का सामाजिक जीवन से संबंध टूटता जा रहा है। आचारों और भ्रष्ट संस्कृति कुकुर मुत्तों की भांति सर्वत्र फूल फल रही है। इसने हर कहीं और अपने रंग में सबको रंग लिया है। विश्वास को मानो ग्रहण लग गया है, किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं रहा है। न व्यक्ति व्यक्ति पर विश्वास करता है और न ही किसी संस्था पर, जैसा कि स्वयं लेखक कहते हैं। और फिर श्रद्धा का ये दौर है देश में, जैसा वातावरण है उसमें किसी को भी श्रद्धा रखने में संकोच होगा। श्रद्धा पुराने अखबारों की तरह रद्दी में बिक रही है। विश्वास की फसल को तुषार मार गया है। इतिहास में शायद कभी किसी जाति को इस तरह श्रद्धा और विश्वास से हीन नहीं किया गया होगा। जिस नेतृत्व पर श्रद्धा थी उसे नंगा किया जा रहा है। जो नया नेतृत्व आया है वह अत्यंत तेजी से अपने कपड़े स्वयं उतार रहा है। यही नहीं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का नंगापन भी प्रकट हो रहा है। श्रद्धा कहीं पर भी नहीं रही है। यह विकलांग श्रद्धा का दौर है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने विकलांग श्रद्धा को विभिन्न संदर्भों में अभिव्यक्ति देने का सफल प्रयास किया है। इसमें आई व्यंग्यशीलता को हम निम्न बिंदुओं द्वारा जानेंगे। पहला बिंदु है श्रद्धा और चरण स्पर्श। निबंध के आरंभ में ही लेखक ने स्पष्ट किया है कि आज प्रत्येक व्यक्ति यथार्थ और लालच के दलदल में धंसकर और अवसरवादी मनोवृत्ति से प्रेरित होकर दूसरों के पैर छूने की संस्कृति का कायल हो गया है। स्वयं लेखक चरण स्पर्श की इस पद्धति से भयभीत है। लेखक ने स्वयं लिखा है, सोचता हूँ लोग मेरे चरण क्यों छूने लगे हैं। ये श्रद्धा एकाएक कैसे पैदा हो गई। पिछले महीने मैंने ऐसा क्या कर डाला। कोई खास तरीका नहीं, कोई साधन नहीं, समाज का कोई कल्याण भी नहीं किया, दाढ़ी नहीं बढ़ाई, भगवा भी नहीं पहना, बुजुर्गों की कोई सेवा भी नहीं की। लोग कहते हैं ये वयोवृद्ध हैं और चरण छू लेते हैं। वे अगर कमीने हुए तो उनके कमीनेपन की उम्र भी 60-70 साल की हुई। लोग वयोवृद्ध कमीनेपन के भी चरण छू लेते हैं।
मेरा कमीनापन अभी श्रद्धा के लायक नहीं हुआ है। लेखक स्वयं अपने प्रति लोगों की श्रद्धा को देखकर कहता है, मैं बड़ी तेजी से श्रद्धेय हो रहा हूँ, जैसे कोई चलती औरत शादी के बाद बड़ी फुर्ती से पतिव्रता होने लगती है। यह हरकत मेरे साथ पिछले कुछ महीनों से हो रही है और जब तक कोई मेरे चरण छू लेता है। सच्चाई यह है कि लेखक अपने इस व्यंग्य के माध्यम से ये कहना चाहता है कि आज हर कोई अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरों के चरण स्पर्श करता है, पांव छूता है। लेखक कहता है कि वह न तो श्रद्धेय बनना चाहता है और न ही यह चाहता है कि लोग उसके पांव छुए, परंतु आजकल चरण स्पर्श करने की संस्कृति स्थान स्थान पर देखने को मिलती है। यदि कोई शिक्षार्थी डॉक्टरेट प्राप्त होता है तो वह अपने अध्ययन और ज्ञान के कारण नहीं अपितु गुरु कृपा से। लेकिन लेखक ने इसके उदाहरण दिए हैं और कहा है, आचार्य की कृपा से इतने डॉक्टर हो गए कि बच्चे खेल खेल में पत्थर फेंकते हैं तो वह किसी डॉक्टर को ही लगता है। कृत्रिम मनोवृत्ति और श्रद्धा। निबंधकार का कहना है कि आजकल कहीं पर भी सच्ची श्रद्धा नहीं मिलती। कुछ लोग स्वयं को श्रद्धेय सिद्ध करने का प्रयास अवश्य करते हैं। इसी संदर्भ में लेखक कहते हैं कि मेरे शहर के कॉलेज में एक अध्यापक थे, उन्होंने अपनी नेम प्लेट पर खुद ही आचार्य लिखवा लिया था। मैं तभी समझ गया था कि इस बोर्ड पर में महानता के लक्षण है। आचार्य मुंबई वासी हुए और वहां उन्होंने अपने को भगवान रजनीश बना डाला। आजकल वह फोर्ड से शुरू करके मान्यता प्राप्त भगवान है। लेखक का मानना है कि आज लोग कुप्रवृत्ति का सहारा लेकर श्रद्धेय बनने का प्रयास करने लगे हैं और येन केन प्रकार ये लोग अपने कुत्सित प्रयासों में सफल भी होने लगे हैं। ऐसे लोगों पर लेखक ने करारा व्यंग्य किया है। विकलांग श्रद्धा और विवशता। यहाँ लेखक ने यह प्रतिपादित करने की कोशिश की कि कुछ लोग किसी को असहाय और बेबस देखकर उसके प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने लगते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है अथवा दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो उसके प्रति विकलांग श्रद्धा दिखाने से नहीं चूकते हैं। जैसा कि लेखक ने स्वयं के संदर्भ में कहा है, इस एक साल में मेरी एक ही तपस्या है, टांग तोड़कर अस्पताल में पड़ा रहा हूँ। हड्डी जुड़ने के बाद भी दर्द के कारण टांग फुर्ती से समेट नहीं सकता। लोग मेरी इस मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर झट मेरे चरण छू लेते हैं। फिर आराम के लिए मैं तख्त पर लेटा ही मिलता हूँ। तख्त ऐसा पवित्र आसन है कि उस पर लेटे दुरात्मा के भी चरण छूने की को प्रेरणा मिलती।